You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. किसके ऊपर? Again, जो हुआ है बिग बॉस के घर में, मेरा reaction अभी उसी के ऊपर है, क्योंकि अभी जो गंदगी national television पे दी जा रही है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही गलत social message pass हो रहा है. First of all, तो contestant इतने छांट के लाए हैं बिग बॉस कि पूछिए ही मत. उसके ऊपर से लेके आए हैं अनिल कपूर को, जिनको होस्टिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आ रही है. चलिए बताती हूँ मैं आपको कल क्या हुआ एग्जैक्टली. कल जब अनिल कपूर जो है मिट्टी का तेल और चिंगारी डाल के घर में जब चले गए, तो फिर अरमान मलिक और विशाल पांडे के बीच में बात हो रही थी. विशाल पांडे बाहर जाके जो कुछ कैबिन्स टाइप के बने उसमें बैठे हुए थे, काफी दुखी थे, रो रहे थे. शिवानी उनको थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रही थी, कल सिर्फ शिवानी अच्छी लगी कल. तो क्या हुआ कि अरमान मलिक उधर पहुंच के उन लोगों के बीच में बहस चालू हुई. तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो अरमान मलिक ने उस घर में दिए हैं, मैं आपको पहले बता देती हूं. कि पहला क्या था कि अरमान मलिक बता रहे थे कि एक ये लड़का जो है, इससे सभी लड़कियां दूर रहो, क्योंकि ये शादीशुदा औरतों को गंदी नजरों से देखता है. और उसके बाद उन्होंने बोला कि रिया को बोल रहे थे कि ऐसे आदमी से बात मत किया करो, और प्लस घर की सभी औरतों और महिलाओं को ये समझाते हुए नजर आए कि ऐसे आदमियों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए. आदमी अब यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आपने अपना पास्ट पूरी तरह से भुला दिया है, आपको कुछ भी याद नहीं है कि जब आपने आपकी जब शादी पायल मलिक से हुई थी, या पता नहीं हुई भी है कि नहीं, तो जब आप वो आपके साथ भागी थी, आप एक शादीशुदा आदमी थे और आपके दो बच्चे थे, ठीक है. उसके बाद आप इनके साथ रहने लग गए, और जब इनके साथ रहने लग गए, आपकी इनसे शादी का कोई भी एविडेंस आज तक सामने नहीं आया. हालांकि आपने एक साल पहले शादी की थी, जिसमें बुला के आपने शिवानी को खाना डालने वाली बात की थी. ये शायद वही शादी थी पायल मलिक से इनकी, ठीक है. घर में रह रही थी पायल मलिक, और जो भी कहानी है आप सबको पता है कि इन्होंने बोला कि मुझे तेरी दोस्त से प्यार हो गया है. मतलब आपकी जो दूसरी वाइफ है या तीसरी वाइफ है, उनको होश नहीं था कि वो, क्योंकि वो भी ये ज्ञान दे रही थी कि शादीशुदा औरत से ऐसा बोला. आपने भी तो शादीशुदा आदमी से, जिसकी दो बार शादी हो चुकी थी, और जिस वक्त आपसे उसकी शादी हुई है, तीन बच्चे थे, राइट. एक दो बच्चे पहली बीवी के, फिर एक बच्चा पायल मलिक जी के साथ. तो आप कैसी औरत हैं? मतलब आपको अच्छे लगते हैं शादीशुदा बच्चों वाले आदमी? या अरमान मलिक जी ये वाली बात भूल गए कहीं ना कहीं. भूलना नहीं चाहिए अपना पास्ट, इसीलिए आपको इतने सारे चैनल्स याद दिला रहे हैं. उसके बाद कहते हैं ऐसे लड़के के साथ, विशाल के लिए बोला कि ऐसे लड़के के साथ किसी को बैठना नहीं चाहिए. ओ रियली? तो फिर तो आपके साथ नहीं बैठना चाहिए किसी को, पायल मलिक के साथ नहीं बैठना चाहिए किसी को, और कृतिका मलिक के साथ भी किसी को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो यही काम करके रखा है ना. उसके बाद इनकी लैंग्वेज से कहते हैं कि विशाल के लिए कहते हैं कि लैंग्वेज से पता चल रहा है कितना नीच आदमी है. आपकी तो हरकतों से फिर क्या बोला जाए? आपने जो हरकतें की हैं उससे क्या बोला जाए? जो आपका अपसेलिंग पॉइंट है, आपके चैनल का यूएसपी जो है ना, उससे क्या बोला जाए? आपकी सोच बहुत नीच है, आपकी लैंग्वेज तो कल देख ली कि नीचता की सारी हदें पार कर दी थी आपकी लैंग्वेज ने. आपने इतनी गालियां बकी हैं, इतनी माँ बहन की गालियां बकी हैं कि पूछो मत, लगातार. और ये सब हुआ था झापड़ मारने से पहले, और यही सब बातों में आके इन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया खड़े. अब यहां पे एक चीज बोलूंगी, खड़े होके बात कर रहे थे, और जब वो इनको क्लैरिफिकेशन दे रहा था, तो इन्होंने बोला मुझे मत दे, कटारिया को दे. कटारिया को क्यों दे? कटारिया नहीं तो ये सारी चीजें सुलगाई, कटारिया नहीं तो उसमें मिट्टी का तेल डाला है. तो वो बोला कि मैं आपको ही बताऊंगा, क्योंकि आपको ही नाराजगी है मेरे से. तो ये बोलते हैं कि नहीं, तुम कटारिया को बताओ, और थड़ाक करके, मतलब सामने वाला प्रिपेयर्ड भी नहीं है कि ये आदमी मुझे मारने के मंशा से आया है. और जो आदमी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उसको ऐसे धोखे से मारना कोई आदमी होने की निशानी नहीं है, ये बहुत ही कायरता की निशानी है. तो आपने बड़ी कायरता से उसको मारा, फिर उसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और कंट्रोल करने की कोशिश की. उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया है साई केतन ने. उसके बाद क्या हुआ कि वो रोने लगा. जब यही सब बातें चल रही थी, तो विशाल रो रहा था कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी माँ ये शो देख रही है,
इनकी मम्मी का भी वीडियो आया है, बहुत दुखी है, बहुत रो रही है, ठीक है। तो जब इन्होंने बोला कि मेरी माँ ये वीडियो देख रही है उसे बुरा लगेगा, इसलिए मैं आपको सफाई दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उस मतलब में नहीं बोला, तो इनका कहना है कि तेरी माँ को ये बुरा नहीं लगेगा, तेरी माँ को तो ये बुरा लगेगा, कैसा गंदी नाली का बीज मैंने पैदा कर दिया। आपको शर्म आती है किसी की माँ के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए? और उसके बाद आप कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है। मैं चाहती हूँ ये जो है ना, ये पायल मलिक तक ये वीडियो जरूर पहुंचे मेरा, कि आप लोगों को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। पहले तो जाकर के पायल मलिक ने बिग बॉस के सेट पर रायता फैलाया गलत बोलकर। उसने बोला था भाभी सुंदर लगती हैं, इन्होंने बोला कि भाभी अच्छी लगती हैं। बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया। लेकिन उसके बाद अंदर कटारिया जो बैठा है, लवकेश कटारिया, उसने भी कम गेम नहीं खेला है। उसने आधी चीजें बताई है बिग बॉस को और आधी नहीं बताई, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बिग बॉस को शायद कंटेंट की इतनी कमी हो गई थी कि बिग बॉस ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। पैदा हुआ है कल बिग बॉस के सेट में, इस वीकेंड के बारे में कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, कंटेंट मिला है, टीआरपी मिला है। चार करोड़ के ऊपर चले गए व्यूज, जो अभी तक जा नहीं रहे थे किसी भी एपिसोड में। तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि बिग बॉस ने भी कम बड़ी वाली टट्टी नहीं की है, बहुत बड़ी टट्टी की है बिग बॉस ने, और जानबूझ के की है, साफ नजर आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि विशाल ने बहुत क्लियरली बोला कि मैंने आपकी वाइफ को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया है, बट इस बात से विशाल की मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, क्योंकि वो जिस तरह के स्टेटमेंट लगातार पास कर रहा था, बहुत ही जो मैं क्या बोलूं कि जो समझदार लोग हुए उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस लिए वो ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहा था, जहां पे वो बोल रहा था भाग्यशाली भैया, और उसके बाद लवकेश कटारिया ने उसकी ओर देखा, कृतिका की ओर, और कहता हाँ अब मैं समझ गया कि तूने क्यों ऐसा बोला। तो ये नास्टी स्टेटमेंट पास तो हो रहे थे, लेकिन फिर भी जहां पे बात आती है ऑब्जेक्टिफिकेशन की, औरतों को या आपकी वाइफ को मैंने ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, तो वो भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था, बट उससे कहीं ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई अरमान मलिक ने अपनी बीवियों को कर रखा है, जो छोटे छोटे शॉट्स बनाते हैं जहां पे कैमरा बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पर फोकस्ड रहता है। अगर वो पूरा फुल लुक ले रहा है अपनी वाइफ का, तो दे मेक श्योर पीछे एक मिरर है जहां पे उसका बम दिख रहा है। तो इस टाइप के रील्स जब आप खुद बनाते हैं, जब आप खुद अपनी बीवियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आपने अपनी बीवियों की रील्स बना बना के अपना चैनल ऊपर किया है और अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो प्लीज आप किसी को ये चीज का ज्ञान ना दें, तमीज क्या होती है, छेड़ना क्या होता है, आवारागर्दी क्या होती है, क्योंकि आप सभी लोग, आप तीनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। जो आप विशाल को बोल रहे थे, कहीं ना कहीं वो उससे ज्यादा आपके ऊपर फिट होता है, आपके ऊपर ज्यादा सूट करते हैं वो वर्ड्स। उसके बाद इनका कहना है कि लड़की अगर थोड़ी सी बात करे, थोड़ा सा मुस्कुरा दे या थोड़ी सी लिफ्ट दे, तो लड़कों को लगता है सेटिंग हो गई और लोगों को भी लगता है सेटिंग हो गई। ये हमारे यहाँ के लोगों का सोचना है। आपने पूरे लोगों को, पूरी ऑडियंस को इतना जनरल स्टेटमेंट पास किया है कि पूरी ही ऑडियंस जितनी भी बिग बॉस देख रही है इस वक्त, अगर वो देखती हैं कि लड़का लड़की हंस के बात कर रहे हैं, तो मतलब लड़की पट गई। आपकी सोच को सलाम है कि इतने गिरे हुए स्तर की आपकी सोच है। क्यों रखा है इस आदमी को बिग बॉस ने अपने घर में, जिस आदमी ने आज तक अपने चैनल पर एक भी अच्छा सोशल मैसेज नहीं दिया है, उसको बिग बॉस में बुला के नेशनल टेलीविजन पर रायता फैलाने के लिए बैठा दिया है। आगे बढ़ते हैं। बार बार बोल रहे थे गंदी नाली का कीड़ा है ये, गंदी नाली का कीड़ा है ये, इसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, मत जाओ। आप कौन सी अच्छी नाली के कीड़े हैं? आप तो गटर के कीड़े हुए फिर उसके हिसाब से। अगर इतना बोलना किसी शादीशुदा औरत को कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो या सुंदर लगती हैं, गलत है, तो आप तो बहुत ही ज्यादा गहरे गटर के कीड़े हैं मेरे ख्याल से, आप भी और आपकी दोनों वाइफ भी। फिर अगर आपकी ही सोच से अगर हम चीजों को देखने लग जाए तो, है ना, क्योंकि आपने बार बार, आप लोग ये जो दुहाई दे रहे हैं ना कि शादीशुदा औरत है, बच्चों की माँ है, बच्चों की माँ है, तो आप लोगों ने भी जब एक दूसरे से शादी की, तो उसमें से आप दो में से एक हर वक्त, हर हमेशा, जितनी बार आपने चीज दो ही बार रिपीट की है, आप शादीशुदा थे और आप कुंवारी लड़कियों को फंसाते हैं। तो घर के अंदर बैठी हुई जितनी भी स्पिंस्टर लड़कियां हैं, उनको आपसे खतरा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप तीसरी को भी बाहर लेके निकले, एक्चुअली चौथी को, है ना। उन्होंने बोला कि जिससे हंस के बात रख, जिससे थोड़ा सा तमीज से बात कर लो, जिसको थोड़ी सी, जिससे बात कर लो हंस के,
तो वो तुम्हारे ही माँ बहन पर नजर रखते हैं। ये ही इनका स्टेटमेंट है, जो बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है। आई डोंट थिंक सो कि नेशनल लेवल पर इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को बुला के ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। देयर इज अ लिंक जो मैंने कम्युनिटी में शेयर किया है, वहां पे इस पर्टिकुलर एपिसोड की आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि बिग बॉस बिल्कुल अभी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। उसने बुलाए ही ऐसे लोग हैं जो यही गंदगी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इन लोग के व्लॉग देखते हैं, हम लोगों को पता है किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये क्रिंज हैं, क्रिंज टू द पावर इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं क्रिंज प्रो मैक्स हैं ये लोग। कृतिका जी कहती हैं कि मैं ना उसको, अगर बिग बॉस आप मुझे ना अलाउ करो तो मैं उसको नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ मारना चाहती हूँ। पहले आप थप्पड़ कुछ अपने गाल पे बजा लें, कुछ थप्पड़ पायल अपने गाल पे बजा लें, और कुछ थप्पड़ अरमान मलिक अपने गाल पे बजा लें, और आप तीनों एक दूसरे के गाल पे बजा लीजिए कुछ थप्पड़। एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी, मेरी तेरी प्रेम कहानी। उसके बाद आप फिर किसी और के ऊपर थप्पड़ बजाएं, लेकिन उस किसी के भी ऊपर थप्पड़ बजाने से पहले आप तीनों को अलग होके इज्जत से, जैसे लोग रहते हैं वैसे रह के दिखाना होगा, तभी आप किसी को थप्पड़ मारने के स्टेट में आएंगी। पर ठीक है, कोई बात नहीं, इनको बड़ा इनोसेंट बनने की शौक है, बड़ी भोली बनने की। वैसे तो पता नहीं क्या ही कर रही है, बिग बॉस में दिखाई तो देती नहीं है कहीं, बस सबको चुप कराती रहती हैं और खाना बनाती रहती हैं, दैट इज इट। और टाइट टाइट कपड़े पहन के जब दो लड़के बैठे होते हैं तो ये उनके आगे मटकती रहती हैं, ऐसे एक नहीं दो नहीं, आप कई सीन में देख सकते हैं, है ना। लड़कियां एक ही चीज बोलूंगी, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, अगर आप नहीं चाहती हैं कि कोई आपके ऊपर इस तरह का नास्टी स्टेटमेंट पास करे या कोई भी स्टेटमेंट पास करे, ये आपके हाथ में होता है। अगर लड़की, है ना, लड़की इनवाइट नहीं कर रही है ना किसी को, तो किसी लड़के में इतना दम नहीं है कि आके गंदा बोल दे, और उसके बाद भी अगर लड़का गंदा बोल रहा है तो लड़का ही आवारा है। लेकिन यहां पर एक क्लिप लगाऊंगी, जरा देखिएगा। अचानक से जिस शिवानी को लगातार ये इस तरह से ये पूरा फैमिली बुरी तरह से टारगेट कर रहा है, बिग बॉस से बाहर आने के बाद इनकी वाइफ उसको लगातार टारगेट कर रही थी, ये लोग अंदर घर के उसको लगातार टारगेट कर रहे थे, उसके वेल विशर बन गए अचानक से और उसको कहते हैं तू विशाल से बात मत कर, क्योंकि वो अकेली थी, वो जो गई थी उसको संभालने और बोलने की, ठीक है तू गलत दिख रहा है तू, क्योंकि वो लोग घर के अंदर है, उनको नहीं पता क्या हुआ है बाहर, उनको नहीं पता किस टाइप का रिएक्शन है बाहर। और बिग बॉस ने बहुत ही बाखूबी वो सारे रिएक्शन छुपा के रखे हैं। बिग बॉस अभी ना, मैं क्या कह सकती हूँ कि सस्ता नशा करता है बिग बॉस, और उसी का नतीजा है ये जो हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही प्योर हुआ होता है, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड WTH, हुज टॉकिंग अबाउट इट, ओ रियली, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, आपके यहाँ तो ये पवित्रता डबल है ना। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूरा सीन होने के बाद बिग बॉस का गेम चालू हुआ। आज की डेट में बिग बॉस को सब लोग गाली बक रहे हैं, बट मेरे को कुछ और ही लग रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बोलना चाहूंगी। बिग बॉस बुलाता है तीन महारथियों को, दीपक चौरसिया को, रणवीर शौरी को और लवकेश कटारिया को, जिसने बेसिकली मिट्टी का तेल झोंक झोंक के इस मुद्दे को बहुत बड़ा किया। उसके बाद बिग बॉस इतना इनोसेंट, बेचारे हमारे अनिल कपूर जी इतने इनोसेंट कि क्लिप नहीं देख रहे हैं, क्लिप नहीं बजा रहे हैं, घर वालों को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, घर वालों को अपना ही सिनारियो बना के बता रहे हैं कि बताइए उसने क्या बोला, उसके बाद आप बताइए क्या हम इसको एज अ स्पेशल केस कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब पहले एक नैरेटिव दे दो लोगों को, तीन लोगों को अंदर बुलाओ, उनको एक नैरेटिव दो, उनको हवा भी नहीं है कि बाहर किस तरह का रिएक्शन चल रहा है, और फिर उनको बोलो क्या हम इसको स्पेशल केस, मतलब पूरी चीजें घर वालों के ऊपर थोप दी बिग बॉस ने। 200 कैमरे क्यों लगे हुए हैं? अगर आप वो क्लिप पूरे घर वालों के आगे बजाने की या चलाने की हिम्मत नहीं रखते तो आपके 200 कैमरे बेकार हैं। आप इस बार बिग बॉस में देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। बिग बॉस में इस बार लोगों की वोटिंग से कुछ नहीं हो रहा है, उसके खुद के जो रूल्स हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। बिग बॉस में हिंसा बिल्कुल अलाउड है, बिग बॉस ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है। उसके बाद बिग बॉस को कुछ पता नहीं होता है भाई, कुछ पता नहीं होता है। जो होस्ट कर रहा है बिग बॉस को, उसको भी कुछ नहीं पता है। वो पूछता आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, क्यों आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं है। वैसे जब सलमान खान होस्ट कर रहे होते हैं ना तो वो प्ले कर देते हैं क्लिप सबके सामने, और यही फर्क है अभी के होस्ट में और सलमान खान में। ना नहीं, आई होप कि जो मेन बिग बॉस है उसमें सलमान खान ही होस्ट करें,
क्योंकि इनसे इनको बोलने की भी तमीज नहीं है अनिल कपूर को। बाकी अनिल कपूर कितने बढ़िया है, मेरी नजर ही नहीं हट रही है, she's so attractive, she's so beautiful, she's, हाँ हाँ, शोभिता के बारे में क्या बोलूँ, वो तो मैं बहुत तारीफ कर ही चुका हूँ उनके बारे में, हाँ हाँ। अनिल कपूर को बहुत बुरा लगा एज अ होस्ट, एज एंडमॉल की जो टीम है उनका रिप्रेजेंटेटिव बनके, बाहर वाला बनके अनिल कपूर को बहुत बुरा लगा ये स्टेटमेंट कि भाभी सुंदर लगती हैं, और मैं ये गलत वे में नहीं कह रहा हूं। और हाँ, अंदर जब इन तीनों को बुलाया था ना, तो लव कटारिया से जब पूछा गया वो एग्जैक्टली उसने क्या बोला, तो लव कटारिया ने बोला, उसने यही बोला था कि भाभी सुंदर लग रही है। उसके बाद बिग बॉस ने वहां पे एक यू नो एक चीज बोली कि क्या उसने बोला था कि उसने गंदे वे में नहीं बोला, तो लव कटारिया ने बोल दिया नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जबकि बिग बॉस को भी पता है, जितने लोग बिग बॉस देख रहे हैं उन सबको पता है कि उसने बोला था भाभी सुंदर लगती हैं, मैं बहुत गंदे वे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सही मतलब ताकि गलत मैसेज ना जाए। लेकिन लवकेश कटारिया ने अंदर जाके ऐसा धोखा किया, ऐसा चूरा गोपा अपने दोस्त की पीठ पर कि बोल दिया कि नहीं उसने ये वाली बात नहीं बोली, उसने बस बोला भाभी सुंदर लग रही है। वाओ, वेरी नाइस बिग बॉस, गुड मूव। हाँ, तो अरमान मलिक कहते हुए नजर आए लगातार विशाल को पोक करते हुए, जितना बड़ा तो उसने क्राइम नहीं किया उससे ज्यादा तो मतलब उसको सजा दे दी, गंदी नजर रखता है दूसरे की बीवियों पे, गंदी नजर रखता है, तुम भी तो रखते हो अपनी बीवी की दोस्त के ऊपर गंदी नजर, बहुत गंदी नजर रखते हो, तुम्हारे से घर की सभी लड़कियों को बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि क्या पता कब तुम्हारी गंदी नजर किसी के ऊपर पड़ जाए। अनिल कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया, बिकॉज अनिल कपूर जो है वो मेकर्स के हाथ की कठपुतली है, उसने सारी औरतों को पूछा आप बताइए अगर आपके साथ या आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट पास करेगा तो आपका रिएक्शन आपके घर वाले का क्या होगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि बाहर क्या गया है क्या नहीं गया। सबने बोला हाँ हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, हाथ उठा देंगे तो ये वो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। सिर्फ एक नाजी जो है उसने बोला कि नहीं ये बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ है, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में नाजी वापस पलट गए हैं, तो नाजी को बहुत ही ज्यादा यू नो ओवर एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो कभी भी लुढ़क जाते हैं इधर, कभी भी लुढ़क जाते हैं वो उधर। अब यहाँ पर ये इतना कुछ तो हुआ ये लड़ाई से रिलेटेड, अब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि एक सिचुएशन, एक नैरेटिव सेट किया बिग बॉस ने कि ये किस तरह से दिख रहा है बाहर, जबकि उतना गंदा बाहर को नहीं दिख रहा था, इस चीज को गंदा किया गया और घर वालों को इस तरह से दिखाया गया कि बाहर बहुत ही गंदा मैसेज चला जा चुका है, और आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हम इसको स्पेशल केस बनाना चाहते हैं। और घर वालों की सहमति लेकर के बिग बॉस ने घर वालों के कंधे पर तलवार लगा करके चला दी और बोला कि भाई लो हो गया, घर वालों ने बोला है वी आर आउट ऑफ इट। अब जितने लोग बिग बॉस को गाली बक रहे ना, अब मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी हुआ पूरे हफ्ते के लिए या जितने पूरा जितना जब तक शो चलेगा तब तक के लिए अरमान मलिक क्या कहते हैं नॉमिनेटेड है, हो सकता है अगले हफ्ते निकाल दे इनको लोग, क्योंकि बाहर बहुत गुस्सा है लोगों में। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज मैं सोच रही हूं कि कहीं ना कहीं बिग बॉस भी अपना फायदा देख रहा है, क्योंकि अरमान मलिक के बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं और हर चैनल पे बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर बेस हैं, राइट? तो बिग बॉस को उनकी अटेंशन चाहिए, इसलिए उन्होंने अरमान मलिक को रोका है उस लालच में, टीआरपी के लालच में। अब लोग बोलेंगे कि अरे कहां वो क्यों रोकेगा एंड दिस एंड दैट, भाई अगर उसके 8 चैनल हैं और 8 चैनल के भी 1 मिलियन लोग देखते हैं, तो 8 मिलियन व्यू आएंगे बिग बॉस को। अभी इस इतने रायते के बाद 4 CR व्यूज आ चुके हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली टीआरपी का लालच बिग बॉस को है। दूसरी चीज जो मुझे लग रही है कि बिग बॉस ने क्यों रोका है इसको, क्योंकि बिग बॉस अभी इनका बहुत अच्छे से जुलूस निकालना चाहता है ये हफ्ते में, वो देखने के बाद पता चलेगा कि इनको फेवर कर रहा है या इनका दुश्मन बना हुआ है बिग बॉस। क्योंकि हो सकता है कि हमने हमेशा से देखा है कि जब भी ऐसा कोई इंसान आता है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान कोई आता है, तो बिग बॉस गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लाता है। तो हो सकता है कि इनकी पहली वाइफ सुमित्रा जी को किसी दिन वीकेंड के वार में ले आए या एक दिन के लिए घर के अंदर भेज दें, है ना? हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, बट अगर बिग बॉस का पेट अगर अरमान मलिक से अभी नहीं भरा है और उसने उसको रोका है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बिग बॉस अभी उनके सारे पास्ट को खोदेगा, निकालेगा और इनके सामने लाके उसको परोसेगा ताकि इनकी मुसीबतें बढ़े। बाकी
जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम लोग जो विशाल पांडे है उसको बिल्कुल ही क्लीन चिट नहीं दे सकते। नास्टी था उसका स्टेटमेंट, चाहे जैसा भी रहा हो, उससे ज्यादा नास्टी जो था वो था लव कटारिया, जो बहुत ही सफाई से साइड हो गया है। एंड आई एम प्रिटी श्योर जब बाहर आके विशाल देखेगा तो उसे बहुत पछतावा होगा कि मैंने किसके ऊपर भरोसा किया है और क्यों किया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय, जय महाकाल। I can see